किया जा रहा है उन लोगों की मदद के लिए जो बेघर हुए हैं, जो आप लोगों को खो चुके हैं? देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने, अरविंद जी ने अभी ऐलान किया है कि जो लोग दंगे में मारे गए हैं उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। जिनका मकान पूरी तरह से जल चुका है उनको 5 लाख रुपये। जो लोग दुकानदार हैं और उनकी दुकान चल गई है, नुकसान हुआ है, उसको 5 लाख रुपया। और उसके अलावा खाने का जो फौरी तौर पे ज़रूरत है वो देने का ऐलान किया। उसके अलावा मैं भी फौरी तौर पे बने हुए खाने का 10,000 पैकेट मैं आज भेज रहा हूँ। उसके अलावा दाल, चीनी, चावल, दूध, ये तमाम चीज़ें हम लोग भेज रहे हैं। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से दंगा पीड़ितों के साथ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से मदद की जाए। कुछ दवाइयां वहां के जो नर्सिंग होम हैं उन लोगों ने हमसे बात की, वो फ्री में वहां सहयोग दे रहे हैं, तो हम उनको भी कुछ दवाइयां अभी फौरी तौर पे भेज रहे हैं। और जैसे जैसे जहां जहां जिस इलाके से रिक्वायरमेंट आएगी, हम और हमारी सरकार पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। वहाँ के MLA, जो भी MLA हैं हमारे, सुरेंद्र MLA हैं गोकलपुरी के, आज जी उन्स हैं, बाबरपुर से जो है गोपाल राय जी हैं, सीलमपुर से हमारे जो है रहमान हैं, हम इन सबसे आज मैंने सबको बुलाया था और सबसे बात की, तो हम इनके ज़रिए हम वहाँ कैंप लगा रहे हैं और वहाँ जो भी सरकार से मदद होगी हम करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज से हमने सारी मदद देना शुरू कर दिया, खाना कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएगा। हमारे तमाम SDMs, तमाम अफसर वहाँ मौजूद रहेंगे। जिस किस्म की भी जिसको दिक्कत होगी, दूध से लेकर के खाने तक, हम तमाम चीज़ों में आवाम के साथ हम खड़े रहेंगे। हमारे सारे अस्पताल जो भी हैं, हर किसी का हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भी आदमी अपना इलाज कराएगा तो उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फरिश्ता योजना में आएगा। उसके अलावा अगर किसी को लगता है तो मेरी विधानसभा ओखला में 2 हॉस्पिटल हैं, एक अपोलो हॉस्पिटल है, एक जो है एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है। तो अगर किसी को लगता है कि इलाज की ज़रूरत है और कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें और अपोलो हॉस्पिटल में हम उनका फ्री इलाज कराने को तैयार हैं। या जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना इलाज कराना चाहे, हम उनका फ्री में, हमारी सरकार फरिश्ता योजना के तहत फ्री में इलाज कराने को तैयार है। हर मुमकिन मदद इंशाल्लाह हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं और आखिर तक हम लोग करते रहेंगे। हम किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम मज़हब की बुनियाद पर भी काम नहीं करेंगे। हमने खाना सबके लिए बनवाया है, जो हिंदू भाई हैं उनके लिए भी, जो मुतासिर हैं, जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए भी, तमाम मुतासरीन के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने जो भी मदद होगी, क्योंकि मैं भी एक सरकार का पार्ट हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड, और जो भी मदद होगी मैं अपनी सरकार के साथ में, आवाम के साथ में पूरी तरह से खड़ा हुआ। तो 10 लाख रुपए का ऐलान जो अभी अभी मुख्यमंत्री ने किया है कि ex-gratia अमाउंट 1 लाख रुपए और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, उसके अलावा जो इंजर्ड के 2-2 लाख रुपए और एक लंबी फहरिस्त जारी करी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वहाँ कुछ मशीनरी की भी प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड के लिए बहुत ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए आ रही है जिनको ब्लड की जरूरत है, तो क्या आप उसके लिए अपील भी कर रहे हैं और कुछ दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं ब्लड वगैरह? मैं लोगों से, मेरी अपील है कि सारे लोग, अभी जैसे गुरु टेग बहादुर हॉस्पिटल है, LNGP है, तो वहाँ ब्लड की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आवाम वहाँ लोग वहाँ पहुँचे और अस्पताल में ब्लड देने का काम करें। मेरी सत्येंद्र जी से बात हुई, अभी सत्येंद्र जैन जी से, तो वो कह रहे हैं कि उसी अस्पताल में जाकर के लोग ब्लड दें। और जिस जो भी मशीनरी की बात है वो अभी बात हुई है, तो उसमें मशीन वो ठीक हो गई है, वो सुबह से काम कर रही है, और जो भी दिक्कत होगी हम उसको पूरा करेंगे, दूर करेंगे, और किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। हम राजनीति, गंदी राजनीति हम नहीं करना चाहते, ब्लेम गेम हम नहीं करना चाहते। इस वक्त लोगों को राहत की ज़रूरत है, लोग खौफ में हैं, डरे हुए हैं। हम पूरी रात, 3 रात 4 रात हमको सोए हुए हो गया, पूरी रात हम लोगों के साथ खड़े रहे, हर तरह से खड़े रहे, और आखिर दम तक इंशाल्लाह हम सबके साथ खड़े रहेंगे। हम मज़हब की बुनियाद पर राजनीति नहीं करना चाहते, ये दिल्ली सबकी है, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। जिन लोगों ने भी दंगा भड़काया है, मैं तो कहूँगा प्रशासन से कि उनका कोई मज़हब नहीं है, दंगा ही दंगा ही होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको बख्शिए मत। लेकिन प्लीज़ आप लोग पीस कायम करिए। अभी भी नेहरू विहार के अंदर अभी भी जो लोग अपने घर छोड़कर आ गए हैं, उसके बाद लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर घर लूटे जा रहे हैं,
जो लोग छोड़कर आ गए हैं, जो डरे हुए थे, खौफ में थे, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, तो पुलिस को चाहिए कि उनके घर का तहफ़ करे, उनके माल का तहफ़ करे। लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, तो पुलिस एक आँख के चश्मे से काम करे, ब्लेम गेम ना करे। और इस वक्त ज़रूरत है लोगों को राहत देने की, और जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई।